आजकल जो बाइडेन को जिस तरीके से झटके लग रहे हैं, ठीक उसी तरह उनके डिप्लोमेसी को भी लग रहा है, खास करके गल्फ कंट्रीज से। सऊदी के साथ उन्होंने पहले से रिलेशन खराब करके बैठे थे और अब यूएई भी उनके हाथ से आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाल ही में यूएई ने यूएस लेड एक मैरिटाइम कोलिशन CMF से खुद को विथड्रॉ कर लिया है। अब CMF क्या है तो देखो, इसका फुल फॉर्म है कॉम्बाइंड मैरिटाइम फोर्स, जहाँ पे कुल 38 मेंबर कंट्रीज शामिल है, जिसका इंडिया भी एक पार्ट है। साल 2001 में यूएस ने इस ग्रुप को शुरू किया था गल्फ एंड अरेबियन सी में स्मगलिंग एंड पायरेसी को रोकने के लिए, पर हाल ही के दिनों में कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर यूएई के गवर्नमेंट खुश नहीं थे और उन्होंने इस ग्रुप से खुद को विथड्रॉ कर लेना ही ठीक समझा। अब हुआ ये था, महीनों पहले ईरान ने गल्फ ऑफ हॉर्मुज में 2 ऑयल टैंकर धर लिए थे, जिसके रिस्पांस में यूएस ने 2-4 धमकियों के अलावा और कुछ भी नहीं किया था। और इस बात को लेकर यूएई के गवर्नमेंट खुश नहीं थे, उनके हिसाब से यूएस को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए था, पर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये है कि क्या इस एक रीजन के वजह से यूएई ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया? तो देखो, ऐसा नहीं है। रिसेंटली वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसके पीछे का 2 रीजन बताए हैं। एक तो यूएस के सिक्योरिटी प्रपोजल आज उनको खोखला लग रहा है, वो बोलते तो बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं, जिसका एग्जांपल बहुत सारे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन है चाइना। जिस तरीके से चाइना ने आज अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया है इस रीजन में, ये एक ना एक दिन होना ही था। आज के डेट पे यूएई के साथ यूएस का टोटल बायलैटरल ट्रेड वैल्यू है $23 बिलियन, वही चाइना के साथ उनका टोटल ट्रेड होता है $64 बिलियन का, लगभग 3 गुना ज्यादा। और सिर्फ यही नहीं, यूएई आज के समय पे चाइनीज टेक जायंट हुआवे को अप्रूवल दिया है फॉर देयर 5G रोल आउट, जिसे सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन करके रखे हैं। इसके अलावा न्यूज तो ये भी है कि वो चाइना के साथ मिलकर एक पोर्ट बनाने वाले हैं, जिसका काम उन्होंने बहुत दिन पहले ही शुरू किया था, बट यूएस के वजह से उन्होंने इस काम को बीच में ही रोक दिया था, पर अब वो फिर से इस काम को शुरू करने वाले हैं। और फ्यूचर में तो यूएई अपने ऑयल मार्केट को छोड़ टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट और हेल्प दोनों ही चाइना से मिलेगा। और रशिया के साथ भी आज उनका रिलेशन ठीक ठाक है। इस लड़ाई में उन्होंने ना तो पुतिन के खिलाफ गए हैं और ना ही उनको कंडेम किया है, बट इतना सब कुछ होने के बाद भी यूएई को यूएस पर डिपेंड करना ही होगा, क्योंकि आज यूएई के पास जितने भी वेपन या फिर फाइटर जेट्स मौजूद है, उनका ज्यादातर मेड इन यूएस ही है। पिछले 10 सालों में उन्होंने कुल $20 बिलियन का डिफेंस आइटम परचेज किया है उनसे, जिनमें 78 F-16 फाइटर जेट्स भी मौजूद है, जिसका मेंटेनेंस और सर्विस के लिए यूएस पर तो उनको डिपेंड करना ही होगा। ये रिलेशन रातों रात खत्म होने वालों में से नहीं है, बट इसी तरह अगर चलता रहा तो ये नामुमकिन भी नहीं है।